ये सरपंच साहब खड़े हैं, मेरी ज़मीन थी पूरी ज़मीन यहाँ पर बह गई है। सवाल ये है कि मैंने इस डिपार्टमेंट को दरख्वास्तें दी, एप्लीकेशंस दी, उसके बाद मैंने इनको ज़ाती तौर पर जेई को और जो इनका एक वर्क सुपरवाइज़र यहाँ आता था उनको, मतलब मैंने मिनतें खुशामतें तक की इनकी। मैंने कहा कि आप देखो पीछे से कितनी बड़ी ये कूल आ रही है और यहाँ पर आगे इसकी बिल्कुल क्या है कि ये डाउन हो गई है, इसका पानी ओवरफ्लो हो रहा है, इसका कुछ करो। इन्होंने नहीं किया। मैं 4 साल से क्या कर रहा हूँ, बराबर जदोजहद कर रहा हूँ इसके लिए, इस स्कूल के लिए, और हर ऑफिस में मैंने चक्कर काटे हैं। तहसीलदार के पास में गया, पिछली दफ़ा नुकसान हुआ, तहसीलदार को यहाँ बुलाया, उन्होंने भी देखा, देखने के बाद फिर जेई को बुलाया उन्होंने, तहसीलदार ने खुद बुलाया जेई को कि कहा यार ये क्या हो रहा है, इसका कुछ करो। कहा जी बिल्कुल करेंगे ये, और उसके बाद फिर कुछ नहीं किया इन्होंने। ये हद है, ये एक मैं समझ सकता हूँ। मेरे यहाँ पर ये सरपंच साहब यहाँ मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा और ना ही मैंने कभी झूठ बोला है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, मैं कोई उस किस्म का नहीं। लेकिन जो अटैच करके देख लो, ये देख लो अगर कोई झूठ है कुछ है। और मैंने इस डिपार्टमेंट की मिन्नतें की हैं, खुशामदें की हैं, और यही की हैं मैंने खुशामदें इनके। हर वो जो वर्क सुपरवाइज़र जो यहाँ आता है उसको मैंने कहा। फिर आगे से भी इनका सारा काम रोड वालों ने यहाँ से पत्थर गिराए, वो तोड़ने लगा तो फिर वो भी नहीं तोड़ने दिए। इन्होंने बहुत मेरे साथ नाइंसाफ़ी किया और ये मुझे पता था, इसलिए मैं 4 साल से इनके पीछे भटक रहा था। लेकिन इनके ये टस से मस नहीं हुए, इनके कान पर जूं नहीं रेंगी है। ये नुकसान आप देख लो, आप हो सकता है तो कुछ करो अगर यहाँ कोई कानून है तो। अगर कानून नहीं है तो फिर जैसा करना है करो, कोई बात नहीं है। और आपसे हमें क्या उम्मीद हो सकती है? डी साहब से क्या रिक्वेस्ट है, यही है डीसी साहब को ये देखना चाहिए कि अगर उनके मुलाजमों की हम खुशामदें करते हैं, मिन्नतें करते हैं, तो वो एक्शन क्यों, वो कुछ भी क्यों नहीं करते हैं हमारे लिए? फिर जब हमारे नुकसान हो जाते हैं तो फिर हमें ऑफिसों में वहाँ भगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। मेरी यही गुजारिश है कि अगर डीसी साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, जो भी हैं, अगर इंसाफ आपकी दुनिया में है तो वो मिलना चाहिए, और अगर इंसाफ नहीं है तो फिर चलो कोई बात नहीं है, फिर इनकार कर दीजिए। यही गुजारिश है। मेरा नाम बैतुल्ला मलिक है, मैं सरपंच अलका चौकियाँ सी हेडक्वार्टर हूँ। मैंने भी इस बारे में कई बार जो है वो महकमा को आगाह किया कि ये कूल किसी वक्त भी बह जाएगी और इनका नुकसान होगा। इसमें बड़ी बात यह है कि 6-7 मकान है नीचे, अगर इसने दोबारा अगर और इसमें नुकसान होगा तो वो मकान भी जाएंगे, इनका तो जाना ही जाना है, मगर उन लोगों के मकान भी जाएंगे। लिहाजा मैंने यहाँ मौका पर आके वीडियो बना के तहसीलदार साहब के नोटिस में लाया, जेई के नोटिस में लाया, उनको फौरी आके सुबह ही यहाँ आके तो इसको हम स्टार्ट करना चाहिए ताकि इनकी बाकी ज़मीन जो है वो बच सके, वरना ये ज़मीन सारी जो है ये बह जाएगी और ये सड़क जो है ये भी इसी हद में आ जाएगी, सड़क भी बंद हो जाएगी। जो इन्होंने प्रवेश साहब ने कहा ये बिल्कुल दुरुस्त है, इन्होंने कई बार मुझे भी कहा, मैंने भी महकमा को कहा, तो लिहाजा आज उसका नतीजा ये हुआ कि इनका काफ़ी नुकसान हो चुका है। अब मेरी गुजारिश ये है एडमिनिस्ट्रेशन से, रजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इनके मकान जो हैं वो बचाए जाएँ और सड़क को बचाया जाए। अगर ये यहाँ ढंगा नहीं स्टार्ट करेंगे तो इनके मकान भी और ये ज़मीन सारी बह जाएगी। शुक्रिया।